जिला आपदा प्रबंधन द्वारा जोशीमठ तहसील प्रशासन एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के साथ बुधवार को जोशीमठ में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त भवनों में से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए उपचार मुहैया करवाया और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालन के बारे में अभ्यास कराया गया, ताकि भूकंप जैसी आपदा में कम से कम रिस्पांस टाइम में रेस्क्यू कार्यों को अंजाम दिया जा सके। उप जिला अधिकारी कुमकुम जोशी की देखरेख में संचालित यह मॉक अभ्यास पूरी तरह सफल रहा। बुधवार को दोपहर 12:30 बजे जोशीमठ स्थित जीएमवीएन गेस्ट हाउस में भूकंप के कारण कुछ लोगों के दबे होने की सूचना प्रसारित की गई थी। तहसील स्तरीय इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के रिस्पांसिबल ऑफिसर कुमकुम जोशी ने आईआरएस से जुड़े सभी तहसील स्तरीय अधिकारियों को आपातकालीन परिचालन केंद्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए, जिसके 10 मिनट बाद ही एक टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ जीएमवीएन के लिए रवाना किया गया। घटना स्थल पर पहुंचते ही टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को निकालते हुए एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जोशीमठ से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।